गुड इवनिंग, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी राखी बंधन, हैप्पी राखी देवो। अच्छा, ये भी हैप्पी बोल रही है। ओहो, हैप्पी राखी। ओह, ये देखो, चीप डबक टप डप। मैंने भी अपनी पूजा की थाली लगा ली है। ये है मेरी पूजा की थाली। पूजा की थाली हो गई है तैयार बस। और आज ना मैं इतना डल फील क्यों कर रही हूँ, मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छे से तैयार होके डेकोरेट होके आज का ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन रात में ना 11 बजे के आसपास मेरी मम्मी से बात हुई थी, तो पता चला कि मेरे भाई का जो बेटा है, मेरा भतीजा, वो बीमार है। और बीमार पहले से भी था, उसको थोड़ा सा इन्फेक्शन था गले में, लेकिन कल ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो रात में हॉस्पिटल गए थे और आज एडमिट हो गए नानू। उसका वैसे नाम तो आगमन है, तो सुबह से मेरा किसी भी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है, बस कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, किसी को फ़ोन करने का भी मन नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैंने नीरज भैया को और आगमन को भी फ़ोन नहीं किया, आज बात ही नहीं हुई हमारी, उसको अभी ड्रिप चढ़ी हुई है, मन ही नहीं कर रहा कि उसको ऐसे फ़ोन करूं, बात करूं। लेकिन शैल्य तनु के पापा की राखी आई हुई है, अंक दादी ने लेह से भेजी है, तो वो राखी बांधनी है, तो अनु वेट कर रहा है। बांधूंगी मैं, मैंने और दीदी ने भी राखी बनाई है। मेरे पापा को ऑलरेडी बोल था कि मैं बांधूंगी। नहीं, मैं बांध रही हूँ, बड़ी हो ना, है ना। शैल्य तनु ने ना नानू भैया के साथ साथ समृद्ध को राखी भेज दी है, तो समृद्ध ने राखी बांध भी ली है। हालांकि आज समृद्ध से भी बात नहीं हुई मेरी, बच्चों की तो हुई थी, मतलब बात क्या देखना होता है उसको। हाँ। तो अभी तनु यहाँ रख दो बेटा, तनु बस जल्दी से वो ठीक हो जाएगा। पता, बड़ों को चीजें होती ना समझ में आती है, थोड़ा उतना बुरा नहीं लगता। बच्चों को चीजें नहीं होनी चाहिए, बच्चे हंसते खेलते, और खासतौर पर त्योहार पे कोई चीज ऐसा हो जाए ना, तो फिर लगता है मैं इतने दूर हूँ। वो हालांकि इंदौर में है, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा है ना, तो बनाने में ना कुछ खाने में। और आपको पता है, क्योंकि घर पे ना बच्चों की वजह से ही हंस खेलती होती है। मेरे को हिंदी खराब हो रही है। खुशियाली। हाँ, खुशियाली से मेरी हिंदी थोड़ी हो गई है इधर आके। नानू भैया को थ्रोट डिजीज हुआ ना, थ्रोट में इन्फेक्शन है उसको, तो ज्यादा हो गया, मतलब 5-6 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खा पा रहा है, बस नारियल पानी जूस पी रहा है। होपफुली वो जल्दी ठीक हो जाए। मेरे भगवान जी को राखी बन गई है, उनकी नज़र भी निकल गई है। चलिए अब मैं अनु के लिए थाली लगा देती हूँ। हालांकि ये वाली राखी जो है ना, शैलजा ने नहीं बांधने दी, बोली मैंने बनाई है भगवान जी के लिए, तो मैं ये राखी बांधूंगी। तो अब ये तनु बांध देगी पापा को। सारे कपड़े फैला दिए दिविशा ने, और पापा आपके लिए तो बहन जी, आपकी एक बहन आ रही है आज, पैरीमा। पैरीमा 6-7 दिन पहले वहां मार्केट गई होगी ना, तो वो लेके आ गई। मालूम होगा ना, रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे कलाई सुनी नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम राखी तो आई है भाई पोस्ट की, लेकिन कोई राखी बांधने वाला होता है तो और अच्छा लगता है। वैसे तो जब भी हम जैसे लद्दाख में थे, तभी मैं या तनु पापा को राखी बांधते थे। यहाँ पे जी नहीं, लद्दाख में पापा के लिए मैं हमेशा पापा की बहने होती थी, है ना पापा, पूरे तरीके से मन को खाने पे बुलाती थी और बढ़िया से फेस्टिवल मनाते थे। यहाँ तो हमने किसी को खाने पे बुलाया नहीं। इस बार मैंने सोचा था पैरीमा वगैरह को खाने पे बुलाऊंगी, लेकिन कल रात में मुझे पता चल गया था नानू की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे वजह से वो आज नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन भाई साउथ इंडियन बहन, उसको बंद करो। पैरीमा, जस्ट फर्स्ट पुट तिलक। ओके ओके ओके, नेक्स्ट फर्स्ट डूइंग। ओके, तिलक तिलकम लगंतम, वो
चावल छिड़कंतम अक्षत सिटिंग में डूइंग आफ्टर दैट आरती आरती टेकिंग सिटिंग में राखी रक्षाबंधन है हम लोग का मतलब पांडिचेरी में लेकिन परिमा फर्स्ट टाइम किसी को राखी बांध दी ना परिमा यस नेक्स्ट बस ओके हैप्पी रक्षाबंधन थैंक यू एवरीथिंग परिमा थ्री नॉट वन टू ए ये देखो ये सोच रही हमें बांध दो जस्ट चलो तो इसके साथ हम अंकिता दीदी और ज्योति दीदी को भी थैंक यू बोलेंगे उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी राखी भेजी है और लकीली भाभी ने पहले से प्लानिंग की थी तो उन्होंने हाथ पे राखी बांधी पिछले साल इन बच्चों ने बांधी थी उन्होंने और सज ये है अंकिता दीदी की राखी ये नहीं है वो मैंने बनाई है ये वाली राखी भाई ये तो पहले सगुन का कुछ दो तो मैं क्यों कह रही हूँ ये एटीएम वाले है ना पैसे है ही नहीं है इनमें बिल्कुल तनु ने बनाई भी है खुद से कहाँ गई पापा को विश्वास है ना तन्नू गिरा देंगी ये अंकिता दीदी की है ओ भाई पापा के साथ डूइंग वहाँ पे ले में हमारे स्टाफ में अंकिता दीदी वो उन्होंने वहाँ से भेजी अब मैं तो बांधूंगी नहीं तो भाई बेटी बांधेगी थैंक यू भाई ये देखो तन्नू ने कुछ गिफ्ट दिया है क्या है ये देखो गिफ्ट तो हैप्पी राखी लिखा है इन्होंने कैसे लिखा है ये देखो हाँ गुनकी तन्नू ने ये अपने देखो हैंडमेड बनाई है वाह 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 चलो भाई इनकी नजर और निकाल दे भाई भाई को नजर ना लगे बेटा दस थोड़ी ना बांधते हैं आपने अभी तो इंदौर में राखी नहीं बांधी भैया ने भी हॉस्पिटल में है ना तो नहीं बांधा राखी अभी ठीक है पहले से थोड़ा ठीक है अभी बात हुई थी हे देवो 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 रक्षाबंधन नहीं आई डोंट लाइक चलिए भाई तो बताइए भाभी आपको क्या गिफ्ट चाहिए अरे सर नहीं नहीं भाभी दिस इज अ ओ नो सर नॉर्थ में क्या होता है ना कि पहले हक से मांगनी है हां ओ फाइट करके आई वांट दिस आई फॉट विद माय ब्रदर टुडे हां व्हाट गिफ्ट फॉर मी बड़ा मांग ले तो देते हैं क्या हां देना पड़ता है ओ बट फाइट करते हैं फाइट करते हैं हाँ वो बड़ा मांग लिया ना तो भाई बोलता है मेरे पास है ही नहीं कुछ नहीं है ये भी नहीं मिलेगा आई डोंट गिव एनीथिंग
प्यार वाला जिसने वहाँ से ये भेजा है ना राखी जो भेजी भाई को हमने उनको मतलब अभी जो से ऑनलाइन भेज दिया सोनाटा की वॉच करके हाँ जी वॉच भेजी मैं तो रुपए भेजती हूँ हर बार इन्होंने इस बार बोला नहीं 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 कुछ भेजेंगे बिट्टू तुमसे किसी ने नहीं कहा था एक वॉच है ऑर्डर वो उसके वही वाली कर देते ठीक है सर क्या हुआ सर मेरी माँ हमेशा याद रहेगा यस ये बस वॉच है नई मिलेगी नई नई वॉच नई वॉच है न्यू न्यू मेरे को भी दो वॉच चाहिए दो वॉच चाहिए दो घंटे के दो वॉच दो घंटे अभी स्पेस का टाइम और स्पेस का टाइम व्हाई टाइम है टाइम ज्यादा थोड़ा सा कॉफी ओके हां वन कॉफी